आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होंगे और यह है पूनम पंडित। पूनम पंडित पहली बार सुर्खियों में आपने देखा होगा, किसान आंदोलन के दौरान आई हुई थी। आप सभी जानते हैं कि हमारे किसानों के लिए 3 कृषि कानून आए हुए थे और उसके बाद आपने देखा है किसानों का विरोध हुआ दिल्ली पर। आपने देखा है कि एक साल लगभग आप देखिए किसान वहां डटे रहे। उसके बाद आपने देखा है कि किसान कानून वापस लेने पड़े सरकार को और उसके बाद आप देखिए किसान वहां से हटे। तो इसी बीच आप देखिए कि पूनम पंडित चर्चा का विषय बनी और अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस की तरफ से इन्हें विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपना विधायक का एक तरह से सोचिए आप लोग की उम्मीदवार बनाया गया, इन्हें विधानसभा सदस्य का टिकट दिया गया है। किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से। तो आज हम लोग देखिए पूनम पंडित के बारे में तो बात कर ही लेंगे, लेकिन और भी कुछ बातें हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। देखिए देश में कोई भी आंदोलन होता है, अगर उससे व्यक्ति कोई जुड़ता है तो उसके अपने भी हित होते हैं, अपना एक तरह से आप कहते हैं कि अपना भी स्वार्थ उसका होता है। अब आप लोग कहेंगे कि आजादी के पहले लोगों का क्या स्वार्थ था? तो मैं पहले भी कई बार आपसे बोल चुका हूं कि आज के नेताओं की आजादी के पहले के नेताओं से तुलना करने की भूल मत करिए, क्योंकि बहुत जमीन आसमान का फर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आप आज सोचिए कि क्या गांधी जी की जगह कोई ले सकता है आज का कोई नेता, या भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू साहब की, इनकी कोई किसी से तुलना की जा सकती है? उनकी बात ही कुछ और थी। और आप देखिए कि जब हमारा देश आजाद होता है तो हमारे सामने कई समस्याएं खड़ी हुई थी और बहुत से सोचिए कि देश के बारे में, समाज के बारे में सोचते थे, तभी उन समस्याओं का समाधान किया जा चुका। आज के नेता होते तो आप देखिए कभी भी उस समय की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता था। आप लोगों ने जेपी नारायण के बारे में सुना होगा, जयप्रकाश नारायण के बारे में। ये आपकी इंदिरा गांधी के समय की बात है। आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने किस तरह से इमरजेंसी लगाई, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। उसके बाद आपने देखा है कि जेपी आंदोलन हुआ और आप देखिए कि जेपी आंदोलन में बहुत सारे लोग जुड़े भी, और उसमें आपने देखा होगा कि जो आप लोग लालू यादव का नाम सुनते हैं, नीतीश कुमार का नाम सुनते हैं, आप लोग सुशील मोदी का नाम सुनते हैं, इस तरह के कई नेता उस आंदोलन से पैदा हुए। फिर आप लोग चलिए अन्ना आंदोलन की बात कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल को तो आप सभी जानते हैं। जब अन्ना आंदोलन हुआ तो आप देखिए उससे भी कई नेता बाहर आए, जिसमें खासकर आप देखिए आपके अरविंद केजरीवाल थे और आप देखिए दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। आप देखिए किसानों ने भी जो आंदोलन किया हुआ है, इससे भी कई राजनेता, कई नेता उभर के आए हुए। पंजाब जाकर आप लोग देख लीजिए और इस तरह के आप लोग छोटे छोटे और नेता देख लीजिए। तो यही खास इन आंदोलन की बात होती है कि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए भी या अपने हित के लिए भी कुछ आंदोलन में जुड़ने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति का आप देखिए अपना स्वार्थ तो होता ही है, तभी ये जाकर आंदोलन में जुड़ते हैं। ये बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। एक बार आप लोग उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, और आप सभी जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप लोग राजनीतिक जो विश्लेषक होते हैं उनकी माने तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है ना, इसका रास्ता आपका उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप लोग अगर विधानसभा में देखें तो 403 सीटें हैं, अगर विधान परिषद में देखें तो 100 सीटें हैं, राज्यसभा में देखें 31 सीटें हैं, लोकसभा में देखें तो 80 सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीटें आपको देखने को मिलेगी और इसीलिए आप देखिए कि सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर रहती हैं। यहाँ आपको उत्तर प्रदेश दिखाई भी दे रहा होगा। इसकी राजधानी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि लखनऊ है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं पूनम पंडित के बारे में, इनके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो पूनम पंडित का जन्म होता है 24 मार्च 1996 को, और इनका जन्म की बात करें तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मात माने हम लोग तो ये कहते हैं कि इनका परिवार भी खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, यानी कि किसान रहा है इनका परिवार। और इनकी स्कूली शिक्षा मेरठ से पूरी होती है और आगे की शिक्षा की बात करें तो गजरौला विश्वविद्यालय की वेंकटेश्वर से स्नातक BA और आप करें MA की बात करती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पढ़े लिखी भी बताते हैं।
और इनके अगर व्यवसाय की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि अपने आप को शूटर भी कहती हैं, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज भी कहती हैं, और नेपाल में एक आपका एक तरह से आप प्रतियोगिता रखी गई थी उसमें गोल्ड मेडल जीतने की भी बात सुनी सुनाई देती है। और एक किसान नेता तो आप सभी ने देखा है, और अब आपकी राजनेता बन चुकी है क्योंकि कांग्रेस से जुड़ चुकी है। और ऐसा भी माना जाता है कि पूनम पंडित जो हरियाणवी डांसर है ना, सपना चौधरी चौधरी, इनकी बाउंसर भी रही हैं, यानी कि एक तरह से आप कह सकती हैं कि इनकी बॉडीगार्ड भी रही हुई है। और आपको बता दूं कि इनका मानना है, इनका कहना है, नेपाल में आयोजित ग्रामीण युवा खेलों के 2018 में शूटिंग रेस में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। फिर आप देखेंगे कि कृषि कानून के द्वारा काफी सुर्खियों में आई, और उसके पहले आप देखिए कि कोई इन्हें नहीं जानता था, इस बात को आप भी जानेंगे, आप भी मानते होंगे। और 2021 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाती है और एक भारतीय राजनीतिक दल में शामिल हो गई जिसका नाम कांग्रेस है। अब आप देखिए कि एक किस तरह से चुनाव लड़ती हैं, क्या रिजल्ट रहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इनका भविष्य किस तरह से तय होता है, आने वाले में क्या होता है, ये तो आप लोग न्यूज़पेपरों सोशल मीडिया के जरिए देखते रहेंगे। फिलहाल अगर आप देखिए कि आंदोलन में कोई नई बात नहीं है, आंदोलन से हमेशा नेता उभर के आते ही है। किसी भी आंदोलन को उठाकर आप लोग देख लीजिए, ये हमारे देश की एक तरह से आप रीति कहिए, कुछ भी कहिए, और मेरा भी मानना है कि अगर किसी आंदोलन से अच्छे नेता उभर के आते हैं, जो महिलाओं की अब अगर पूनम पंडित आप देखिए आने वाले समय में अगर महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व करती हैं महिलाओं का, और महिलाओं के बारे में सोचती हैं, तो अच्छी बात है। और नेता अगर अच्छे ईमानदार हों तो देश की भलाई भी हो सकती है। बाकी तो आजकल के नेता कैसे हैं आप सभी जानते हैं, और मुझे लगता है कि बेहतर जानते हैं अपने क्षेत्र के विधायकों को और जो भी राजनीतिक हैं। खैर, इस तरह के जो भी व्यक्ति चर्चा में रहते हैं, हम लोग वैसे बात तो करते रहते हैं, अगर आपके मन में भी किसी के प्रति डाउट हो और किसी को जानने की दिलचस्पी हो तो बताया करिएगा, उसके बारे में भी हम लोग जहाँ से जैसी जानकारी मिलती है आप लोगों के सामने रख देते हैं। चलिए, फिलहाल आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए, चुनाव के मजे लेते रहिए, हम तो लोग तो मिलते ही रहेंगे।